हेलो गाइस, स्वागत है सबका एक और सीरियस व्लॉग में। तो आज का दिन एकदम मस्त से हो गया है, और उसके बाद कल हम लोग ने आत्मन भैया लोग भी घर पे आए तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत टाइम पास किए, बहुत हम लोग ने बहुत सारा मजा किया, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स किया आइसक्रीम के ऊपर। और उसके बाद आज के दिन में भी देखते हैं आज क्या अच्छा होने वाला है। और मेरे को सुबह से ऐसा लग रहा है कि आज भी कोई आने वाला है, और जब मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ होती है। तो फिर गाइस चलो जल्दी, और फिलहाल तो अभी बज रहा है 2, और आप देख सकते हो लग रहा है कि 2 बजे, कहीं से भी लग रहा है 2 बजे। भाई जो 2 दिन से हाल चल रहे ना, और ये न्यूज़ में भी आ रहा था कि दिसंबर में कुछ होने वाला है, तूफान उफान वो सब जाने दो, आएगा तो मज़ा करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो रही है आने को, और 2 बजे ऐसा सिस्टम है। देखो चलो फिलहाल देखते हैं घर पे क्या बना है, खाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, आई मीन दोपहर की। तो गाइस अभी दोपहर के खाने में बनाई ये पूरी, राइस, दाल और ये कोई मिक्स वेजिटेबल सब्जी है। तो जल्दी फिनिश करते हैं और एडिटिंग के लिए लग जाता हूँ। और फिर अभी हम लोग को गेम भी खेलना है, तो उस हम लोग का टूर्नामेंट है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलो सोचो गाइस, हमें एक अनोखा दृश्य दिख रहा है, जहाँ जहाँ से बादल थोड़े नहीं है वहाँ से देखो सूरज की किरणें कैसे आ रही है अंदर, वो चीज़ कितनी मस्त दिख रही है। और सार्थक है फ्रेम सेट, अच्छी चीज़ें फ्रेम के बाहर नहीं होनी चाहिए। देखो कितनी मस्त, देखो ऐसे को ऐसा लग रहा है वो लाइट कैसे अंदर आ रही, मस्त दिख रहा है वो। और अच्छे से दिखा सकता था मैं पहले, लेकिन मैं शूट नहीं किया, मैं अभी ध्यान गया एक्चुअली। वो देखो कैसे लाइट्स मस्त दिख रही है सूरज की किरणें। और आज भी वेदर सही लग रहा है, बट जब जब सार्थक मेरे टेरेस पे आया ना, तब तक वेदर ऐसा काला हो जाता है। मतलब तू पनौती, तू बंदा सही नहीं है। हाँ मान लिया, तू बंदा सही नहीं है। अब तक मस्त था, यहाँ का वेदर देखो और यहाँ का देखो, लेकिन ये बहुत मस्त लग रहा है गाइस ये वाला। हमको क्लाउड्स बहुत पसंद है। ये जिनको क्लाउड्स पसंद होता है उनको क्या कुछ तो बहुत वर्ड दिया ना उन लोग के लिए, क्लाउड लवर्स के लिए समथिंग कुछ तो बोलते हैं, पता करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कुछ नहीं है। वाली है तो वहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं, और वहाँ पे गेम्स खेलेंगे। फिलहाल तो सुबह से कुछ किया नहीं, तो चलो वहीं जाके टाइम पास कर लो। फिलहाल ये पोर्ट्रेट्स देखो, मस्त ड्राइंग बना है आमची मुंबई। चलो फिलहाल कंटिन्यू करते आगे। सो गाइस अभी हम लोग हर्षित के घर पे आए, और अभी फिलहाल फुकरे 3 चल रहा है, और अभी हर्षित और मैं थोड़ा बता नहीं सकते, हम लोग गेम खेल रहे हैं। मत बताना भाई, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग दोनों जन गेम खेल रहे हैं, और लूडो खेल रहे हैं हम लोग, और उसके अलावा और कुछ नहीं खेल रहे। लूडो खेल रहे हैं। फिलहाल अभी आंटी पूजा करेगी, तो उसका थोड़ा बहुत छूट लेंगे, फिर खाएंगे, घर पे जाएंगे और मजा करेंगे। चलो फिर देखते और क्या क्या खाने में क्या बना है भाई। छोले भटूरे। क्या छोले भटूरे? छोले भटूरे। तो कब से? अब तुम मार खाएगा। एक बार भटूरे एक बार बोला। गाइस अभी आंटी पूजा कर रही है तुलसी विवाह का, ये देख लो दरवाजे के बाहर करना पड़ता है, मस्त से सजा के रखा आंटी ने। और फिलहाल अभी पूजा हो रही है, और अभी हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद अभी सार्थक भी आ रहा है वापस, बीच में काम से बाहर गया था, सार्थक आता है नीचे आ गया, तो आ गया अभी सार्थक वाले। फिर हम लोग उन लोग भी खेलेंगे, वो खेलने का बैग है उसके पास, घर पे से आ रहा है वो। सब तुलसी विवाह हो गए, और सार्थक जी भी आ गए हैं, पधार चुके हैं। कहाँ गया था तो इतने देर? भाई मेरा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। सच सच बता कि तू कहाँ गया था? पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। पढ़ाई कर रहा था कि पढ़ाई कर रहा। तो गाइस अभी डिनर टाइम चल रहा है। अरे बता भी दो कैसा टेस्ट है? मस्त है। मस्त है कैसा है आज? मतलब स्वादिष्ट। अभी मेरी बारी, मैं बताऊंगा। तारक मेहता ने उसको रिकॉर्ड करना होता था इस सीएम के उसी टाइम। पापा ऐसे फिर तू पापा सुबह जब खाना वाना खा के हो गया है, और अभी टाइम भी हो गया है, और साथ निकल रहे घर की तरफ।
फिर जाते देखते घर पे कैरम खेलेंगे और जैसा कुछ सीन रहता है करते। फिलहाल तो चलते भी, पेट भर गया। आंटी ने बहुत मस्त बनाया था, मज़ा आ गया। तो गाइस सार्थक के घर पे भी दिवाली सेलिब्रेट कर लिया और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे, वहाँ पे थोड़ा बहुत फटाके फोड़ेंगे टेरेस पे और फिर चलते एडिट करेंगे और सो जाएंगे। सोऊंगा तो नहीं फिलहाल, आज तो हम लोग ने पबजी का वन डे रूम खोला है तो वेस्ट तो जान नहीं दूंगा मैं। फुल नाइट आज गेमिंग होने वाली है भाई। चलो फिर तो गाइस अभी फटाके फोड़ लिए हम लोग ने बहुत सारे, बहुत मज़ा आ गया। अभी भी थोड़े बहुत फटाके बचे तो वो सोच रहा हूँ मैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी जो सीरीज चल रहा है अगर उसमें इंडिया जीतती है, जो कि जीतना ही चाहिए, अब तो इन कंगारुओं से जीतना है, तो उसमें हम लोग फोड़ने वाले। तो फिलहाल तो वीडियो आज का भी छोटा था, तो वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। तो एक और गाइस मेरे को एक फिलहाल आइडिया आया, ये चीज़ मेरे लिए भी प्रॉब्लम होती है और आप लोग को भी शायद बोर होता होगा शायद, जैसे कि मैं फुल डे जैसे भी 365 डेज़ का मैंने चैलेंज दिया तो मैं हर दिन वीडियो अपलोड करने का जो रखा है मैंने 365 डेज़ में, 365 वीडियोस मेरे को डालनी है कैसे भी करके, वो मैं पहले डाल दूँ आगे, लेकिन 365 वीडियोस होनी चाहिए ठीक है। तो अभी क्या मेन प्रॉब्लम होता है मुझे बनाने में कि मैं रोज़ रोज़ एक का एक चीज़ तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं बाहर घूमूँ हर जगह तो मैं आपको दिखाऊँ वो चीज़। तो मैंने क्या सोचा है, हफ्ते में जैसे महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 हफ्तों में से पहले हफ्ते में हम लोग फूड व्लॉग्स डालेंगे, उनके बाद हफ्ते में ट्रैवल व्लॉग्स डालेंगे, उसके बाद में मैं जैसे कभी कभी वीडियोस बनाता, जैसे उस दिन गणपति विसर्जन पे वीडियो बनाता, उस दिन रमी सर्कल उस पर वीडियो बनाता, वैसे टाइम में कोई जैसे वीडियोस बना लेंगे, बाकी मैं अपने रेगुलर जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो वाले बना लेंगे, तो ऐसा कुछ करेंगे। तो अगर आपको ये आइडिया ठीक लग रहा है तो एक बार कमेंट कर दो। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ ये करूँ क्योंकि इससे आपको भी ईजी पड़ जाएगा एंड मुझे भी ईजी हो जाएगा बनाने के लिए, मेरे को रोज़ रोज़ सुबह सोचना ये नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है ठीक है। तो ये मेरा आइडिया था, कैसे लगे तो कर दो कमेंट और फिलहाल तो चलो बाय।